मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से मेरा नाता किस प्रकार का है, लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। जब केदारनाथ जी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, देश भर के यात्री जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे थे, उत्तराखंड में और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और केरल के ही श्रीमान एंटोनी रक्षा मंत्री थे, इन सबके बावजूद भी मुझे अहमदाबाद में, मैं मुख्यमंत्री गुजरात में, शिवगिरी मठ से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फंस गए हैं, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ है, क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मोदी जी, ये काम आपको करना है। मैं आज भी सोच नहीं पाता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी सरकारें होने के बावजूद भी शिवगिरी मठ ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया। और ये गुरु महाराज की कृपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसाधन नहीं थे, फिर भी मुझे उस पुण्य कार्य का, सेवा का मौका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापस ले आ पाया और शिवगिरी मठ पहुंचा पाया। उस फोन कॉल से ही मेरे लिए सचमुच में वो हृदय को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा, इस पवित्र कार्य के लिए आपने मुझे चुना। आज ये भी शुभ अवसर है, इस अवसर में मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तीर्थ दानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालयम की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में, भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल नानकय ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र, हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। मैं इस अवसर पर श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट को, स्वामी सच्चिदानंद जी को, स्वामी रुतंभरानंद जी को और स्वामी गुरु प्रसाद जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीर्थ दानम और ब्रह्म विद्यालयम की स्वर्णिम यात्रा में, इस आयोजन में लाखों करोड़ों अनुयायियों की अनंत आस्था और अथक परिश्रम भी शामिल है।
मैं श्री नारायण गुरु के सभी अनुयायियों को, सभी श्रद्धालुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी संतों और पुण्य आत्माओं के बीच आज जब मैं बात कर रहा हूं, तब भारत की विशेषता ये है कि जब भी समाज की चेतना कमजोर होने लगती है, अंधकार बढ़ता है, तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकाश के साथ सामने आ जाती है। दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी, तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली। खाली तो रहता नहीं है, भौतिकवाद ने भर दिया। लेकिन भारत कुछ अलग है।